अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ो, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम आयशा था। वो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। उसके पिता जो कि एक किसान थे, लेकिन खेत बहुत उपजाऊ नहीं थी और वे अक्सर किसी तरह का गुजारा करते थे। आयशा एक बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़की थी। वो अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानना और उन्हें समझना बहुत पसंद करती थी। वह एक वैज्ञानिक बनने का सपना देखती थी, लेकिन वह जानती थी कि अपने परिवार की वित्तीय स्थिति के कारण उसे अपना लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो लोग गरीब थे और किसान थे। एक दिन आयशा के पिता बीमार पड़ गए। वो काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय और भी कम हो गई। आयशा को अपने परिवार की मदद करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। आयशा ने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए बहुत मेहनत की। उसने घरों की सफाई और खेतों में कार्य करने जैसे अजीब अजीब काम किए जिन्हें करने में आपको शर्म आएंगे। उसने स्थानीय बाजार में सब्जियां बेचना भी शुरू किया। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आयशा ने वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। वो देर रात को आती और रात भर पढ़ाई करती और स्थानीय पुस्तकालय से किताबें उधार लेती थी। उसने घर पर भी अपने स्वयं के प्रयोग करना शुरू कर दिया। कई सालों की कड़ी मेहनत और उसकी दृढ़ संकल्प के बाद आयशा ने आखिरकार अंतिम चरण में अपने सपनों को हासिल कर लिया। वह विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया उसने और वैज्ञानिक बन गई। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आयशा की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, एक मोटिवेशन है। ये दिखाता है कि अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ते तो कुछ भी संभव है। ये भी दिखता है कि हमारा जुनून का पालन करना महत्वपूर्ण है। भले ही कठिनाई कितनी भी हो, परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, कैसा भी स्थिति हो, लेकिन अपने सपनों को अगर तुम छोड़ दिए उस स्थिति के कारण, तब तो तुम सफल हो ही नहीं पाओगे। धन्यवाद।